जन सिंह जाटव जी मेरे गांव भिंड से मध्य प्रदेश से घायल लोग जो उनके साथ 5 लोग आए हैं उनका भी इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। गंधर्व सेन अम्बेडकर जी गोकुलपुरी से 1000 रुपए का सहयोग कर रहे हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बोध जी भी उपस्थित हो चुके हैं, मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और हमारे वॉलंटियर साथी उनको सम्मानजनक मंच पे उनका स्थान देने का काम करें। मेरठ से हमारे शहीद भाई अंकुर जी के परिवार के लोग भी हमारे बीच में आ चुके हैं, आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, उनका हौसला बढ़ाएं। जय भीम से उनका स्वागत करें। साथियों मेरे साथ आप सहयोग करें, जय भीम, जय भीम। साथियों ये वो परिवार के लोग आए हैं जिन्होंने आप लोगों के लिए जो भारत बंद हुआ था, हमारे मान सम्मान की जो लड़ाई इन्होंने लड़ी, जो हमारे मान सम्मान का प्रतीक था भारतीय संविधान, उसकी लड़ाई इन्होंने लड़ी, उनके परिवार के सदस्य शहीद हुए हैं, हमें उन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो साथियों आप लोग भी उनके साथ, आप धन के साथ भी उनका सहयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से लोग साथी, क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है अमाउंट की, आप जैसे भी सहयोग करना चाहते हैं अपना नाम सूची में देके मुझे दे सकते हैं। और अंकुर के परिवार के साथ पूरा गांव यहां पर, उनका पूरा गांव यहां, पूरा गांव उनके साथ यहां पर उपस्थित हुआ है, 2 बस के साथ वो लोग आए हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांव-गांव में प्रचार किया वो भी इस कार्यक्रम में अभी उपस्थित हुए हैं, जैसा मुझे मालूम हुआ है डीवीएस सहरा जी और राखी रावण जी, वो भी कृपया करके मंच पर आए, आप लोग मंच पर आए हम उनको सम्मानित करने के लिए। अब क्रम वाइज जो निखिल का परिवार है उसको सम्मान करने के लिए मैं डीवीएस सहरा जी और राखी रावण जी को बुलाना चाहता हूं मंच पर। हेलो, मैं निखिल के परिवारजनों से निवेदन करना चाहूंगा कि वो खड़े हो जाएं। भंते जी द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। जो निखिल के परिवार के लोग हैं, जितेंद्र जी मैनपुरी से 2000 रुपए का सहयोग कर रहे हैं, तुलसीराम जी 500 रुपए का सहयोग कर रहे हैं, इनका भी धन्यवाद करते हैं। 2 अप्रैल में जिनको गोली लगी थी हमारे साथी अनूप जी, अशोक जी भी यहां पर उपस्थित हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो मंच पर आए अपना स्थान ग्रहण करें। कैथल हरियाणा से अनूप जी, अशोक जी जिनको भारत बंद के दौरान गोली लगी थी वो हमारे बीच में हैं, वो भी मंच पर आए। भिंड से अनिल जी, उनको भी गोली लगी थी वो भी कृपया करके मंच पर आए।
बंते जी, जो निखिल की जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, बंते जी उसको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आप लोग देख सकते हैं, सिद्धार्थ बौद्धविहार पश्चिमी विरोधनगर 1000 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। ओम सिंह पल्लर जी ये 500 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। करण सिंह अध्यक्ष SC ST वेलफेयर सोसाइटी टायरपुर से, वो भी 1000 रुपए का सहयोग कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। बोध प्रकाश बौद्ध जी, परम पूज्य बाबा साहब जी की जुलाई महीने में 1947 बोध प्रकाश बौद्ध जी परम पूज्य बाबा साहब जी की जुलाई महीने में 1997 को तोड़ने पर महाराष्ट्र में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें 13 लोगों को गोलियां लगी, जान से चली गई, के 2 दिन बाद दिल्ली में जंतर मंतर पर भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन में बहुजन समाज पार्टी के 7 लोग पर 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ। 12 साल तक कोर्ट में चक्कर काटते रहे, वो भी हमारे बीच में आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं इस मंच से। आंदोलनकारी साथी हैं हमारे, बुलंदशहर से जो साथी जाड़ौन से जो लोग जेल गए हैं, कृपया बुलंदशहर से, बुलंदशहर के जितने भी साथी भारत बंद 2 अप्रैल में जो जेल गए थे, कृपया करके वो इस गैलरी में आ जाएं, और हमारे साथी जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको अनुशासन में खड़ा करें, लाइन से खड़ा करें उन लोगों को। जो भारत बंद के दौरान जो हमारा एक निखिल भाई, छोटा भाई जो शहीद हुआ, जिसकी उम्र मात्र 11 वर्ष थी, ये अपने परिवार के साथ उस आंदोलन में हिस्सा बने, और कुछ उपद्रवी जो लोग थे उन लोगों ने एक बाइक में आग लगाई, पेट्रोल टैंक को खोल के उसमें आग लगाई, उसके बाद बड़ा सा पत्थर लेके उसे मारा तो पेट्रोल पूरा निखिल के शरीर पे आया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो साथियों, ऐसे साथी को भी हम इस मंच से नमन करते हैं, और आप लोग भी, मैं चाहूंगा जो और भी साथी इनके बाद सूची से हम लोगों का नाम लिया जाए। दूसरे हमारे साथी, मैं बालक राम जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो दूसरे शहीद साथी हैं उनका भी बताएं मुझे, और दीपक मित्तल के परिजन वो आ जाए। पे बैक टू सोसाइटी श्रीराम हितैषी जी, और LS वर्मा जी,
वो कृपया करके मंच पर आए और अमित और राम सिंह प्रधान जी वो भी मंच पर आए और अमित मित्तल जी के परिवारजनों को का स्वागत करें और मूर्ति पर माला अर्पण करें। मोतीराम जी अभिरक्षक गुरु देवदास जन्म उत्सव कमेटी दिल्ली से 500 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। डॉक्टर किसी स्वरूप 2000 रुपए का सहयोग कर रहे हैं शालीमार गार्डन से। मैं गांव भिंड से जेल गए आदित्य वर्धन जी वो भी इस कार्यक्रम में आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। निर्मल बोध जी धर्मभूमि से वो 2000 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। मंच पे नहीं बुलाया जाएगा। अमित मित्तल जी के परिवारजन जो मंच पर हैं, उनके दो परिवार के और उन्हें बुला लो। क्या नाम है? आसाराम निगम मामा। कौन से किसके परिवार से? बुलंद सर के जो साथी हैं जो जेल गए थे उनको हमारे वॉलंटियर साथी अंदर आने दें। अशोक साहब गेट में चले जाएं। अशोक साहब, अशोक साहब जी, एडवोकेट अशोक जी, एडवोकेट अशोक जी, अशोक जी वो एंट्री गेट पर चले जाएं और आप जो हैं अंदर जो भारत बंद में जो जेल में जो लोग गए थे उन लोगों को अंदर एंट्री कराने का काम करें। सर बोल दो ना। नाम बताओ। आकाश गर्ग के मामा और जीजा जी महेंद्र सिंह। अब नाम बताओ। महेंद्र सिंह आसाराम में निकली आकाश के मामा। सर नाम बताओ जी। महेंद्र सिंह और आसाराम दोनों हो गए। आकाश के परिवारजन महेंद्र जी और आसाराम जी कृपया करके मंच पर आ जाएं। श्री राम किशन प्रधान जी संस्थापक एलआर पब्लिक स्कूल गाजियाबाद भीमनगर से वो 2000 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। अब दूसरे हमारे परिवार के सदस्य राकेश तमोटिया जी जो शहीद हमारे भाई उनके परिवार के जो सदस्य आए हैं हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कृपया करके वो मंच की तरफ आ जाएं और बाकी जिन लोगों ने स्वागत कर दिया वो मंच से नीचे उतर जाएं। जिन लोगों ने स्वागत कर दिया जो मंच पर खड़े हैं कृपया करके नीचे उतर जाएं। वो जिनका नाम लिया जाए कृपया वही मंच पर रहें। बुलंद शहर से अधिवक्ताओं की जो टीम है वो भी यहां आ चुकी है। आदरणीय अशोक जी, आदरणीय अशोक जी कहां दिख रहे हैं? और दिख नहीं रहे आदरणीय अशोक जी। बुलंद शहर की सारी टीम आ चुकी है जो जेल गए थे सभी लोग आ चुके हैं। रुके आइए आइए। जो बाबूजी आ रहे हो क्या? आ रहे हो।
अभी भाई साहब आप बैठो, आप तो बैठो। अगली कड़ी में बुलंद सर की जो ये टीम आई है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस मंच पर वो लोग आ जाएं। अब सम्मान की श्रेणी में पहली टीम बुलंदशहर की प्रदीप जी, अशोक जी, पवन नीम जी, सभी लोग आ जाएं। श्रीपाल सागर जी, कौन बोल रहे? अच्छा अच्छा, तो आ जाओ ना, अंदर आ जाओ। हाँ हाँ, एंट्री प्यार से हो जाए, अंदर प्यार से आए साथियों। हमारे जो बोध प्रकाश बोध जी भी आ जाएं इसी कड़ी में। बोध प्रकाश बोध जी भी आ जाएं बुलंदशहर की टीम के साथ। इसके बाद सिकंदराबाद की जो टीम है वो तैयार है, और मैं वॉलंटियर्स जो हमारे साथी हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वे लोग अनुशासन बनाए रखें, अपना काम करें। सभी साथी ध्यान से सुने, जितने भी लोग जेल गए हैं सबको बुलाया जाएगा, लेकिन अपनी बारी का इंतजार करें। सभी साथियों को बुलाया जाएगा क्षेत्र वाइज, सब अपनी अपने बारे का इंतजार करें, थोड़ी व्यवस्था बनाए। अगर आप व्यवस्था ही खराब कर दोगे तो कुछ नहीं जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से सुने। जो लोग भी जेल गए हैं सबको अपनी अपनी बारी से बुलाया जाएगा, और आप लोग अपनी बारी का इंतजार करें। अनिल गौतम जी भी जाएं, भारत गौतम जी भी जाएं, इनका सम्मान करें। शशि भूषण जी भी जाएं, बालक राम बोध जी भी जाएं, आप लोग इन लोगों का सम्मान करें। जो इस ग्राउंड से सैकड़ों की संख्या में, जो भारी संख्या में लोग आए हैं साथियों, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो इस पंडाल में आए और अपना स्थान ग्रहण करें। बाहर जितने भी जो साथी खड़े हैं पंडाल से बाहर, वो कृपया करके पंडाल में आ जाए, अपना स्थान ले ले। हमारे वॉलंटियर साथी उनको सम्मानजनक उनका स्थान दिलाए और व्यवस्था बनाए रखें। ये तो इसको जाने दो ना, देखो खिचड़ पे चल हो जाएगी ना, उनका पता चल पाएगा कौन है वो। साथियों यार, मेरी चाबी तो ले। थोड़ा जल्दी करें शशि भूषण जी। अगली कड़ी में सिकंदराबाद से जो साथी हैं वो यहां पर, जो पूरी टीम है 51,000 से सहयोग करना चाहती है। डॉक्टर अंबेडकर समिति
सिकंदराबाद से जितने भी साथी हैं वो इस गैलरी में आ जाएं, जब मैं उनका नाम लूंगा वो मंच पर आएंगे, अगली कड़ी में वो तैयार रहें। बुलंदशहर से पहासू के साथी हैं जो 103 लोग हैं जो जेल गए थे, आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, इनका हौसला बढ़ाएं। 7 तारीख को 11,000 रुपए का योगदान दिया था और आज 21,000 रुपए का फिर योगदान दे रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। राहुल बिहार वोट बिहार बाईपास गाजियाबाद की ओर से 2100 रुपए दे करके इनका हौसला बढ़ाने का कार्य किया है। डॉक्टर अंबेडकर विचारक स्कूल एसोसिएशन गाजियाबाद की ओर से 5,000 रुपए पीड़ित परिवार को दे करके इनका हौसला बढ़ाने का कार्य किया, इनका जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। खोड़ा से इस कार्यक्रम में 6 बस लेकर आए हैं डॉक्टर महेंद्र जी, मुकेश गौतम जी, हम इनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं, मुखिया जी का भी। और खोड़ा से युवा टीम जो 2 बस लेके आई है उनका भी गाजियाबाद के साथ हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। इधर जो साथी खड़े हैं हमारे, कृपया करके अपना अपना स्थान ले लीजिए, कोई भी साथी खड़ा ना रहे। साथियों इधर जितने भी साथी खड़े हैं वो अपना अपना इधर स्थान ले लें, कोई भी साथी खड़ा ना रहे, और जो हमारे वॉलंटियर्स साथी इधर हैं वो अपनी व्यवस्था में लगे, कोई भी साथी ना खड़ा हो। बुद्ध प्रकाश बोध जी को सम्मानजनक सोफे पर बिठाएं। समीर साथियों, जो हमारे वोल्टर साथी हैं, जो हमारे शहीद परिवार के जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं उनको इधर पानी की व्यवस्था कराएं आप लोग। साथियों अब आप जो गोपी पारे के परिवारजन हैं वो कृपया करके अपना अपना स्थान ले लीजिए, और मंच पर वही साथी यहां बैठे जो लोग जो शहीद के जो परिवार हैं वही इस मंच पर बैठेंगे, और इस मंच पर कोई नहीं बैठेगा। समीर खान जी वो तैयार हैं अगली कड़ी में, गाजियाबाद की जो टीम है आप हमारे व्यवस्थापक जो हैं हमारे वॉलंटियर्स वो उनको मंच पर आमंत्रित करें।